हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमनंदन। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंजीनियर्स को इस चीज़ की नॉलेज देता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बिना उसके टाइम को डिले किए किस तरह से पूरा किया जा सकता है, और हर समय पर जो भी उसे इसेंशियल चीज़ें जो लगती हैं उसे पहले से प्रेडिक्ट किया जा सके कि ये चीज़ ये टाइम पर लगेगी, ये चीज़ ये टाइम पर लगेगी और कौन सा काम कब होगा। ये सब चीज़ें यदि सिखाई जाए एक सिविल इंजीनियर को तो वो काम को एग्जैक्ट टाइम पर पूरा कर सकता है, और यही सारी चीजें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आती है। तो इसकी ये डेफिनेशन हो गई। अब इसेंशियल मतलब कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना है, इसकी जरूरत ये है कि ये जैसे वेस्टेज निकलते हैं, बहुत सारे वेस्टेज हैं, यदि सारा काम मैनेजमेंट से होगा तो जो भी वेस्टेज निकलते हैं वो कम से कम निकलेंगे और उनका इफेक्टिवली दूसरी जगह यूज हो पाएगा। दूसरी चीज है टाइम। हर चीज का एक कॉस्ट होता है, उसी तरह टाइम का भी एक कॉस्ट होता है कि यदि प्रोजेक्ट ज्यादा टाइम लगता है पूरा करने में तो हो सकता है उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाए। तो टाइम लिमिट के अंदर पूरा करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना पड़ता है। कॉस्ट, इंडिया में कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो कॉस्ट भी मैनेज करने के लिए कि हाँ भाई इस एक्टिविटी के लिए इतना कॉस्ट लगेगा, इस एक्टिविटी के लिए इतना कॉस्ट लगेगा तो पूरा प्रोजेक्ट इतने रुपए में पूरा होगा। तो एक अंदाजा लगाने के लिए और उसी कॉस्ट के अंदर पूरा हो जाए काम, उसलिए हमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर काम यदि अपने टाइम से होता है तो अच्छे से क्वालिटी को मैनेज की जा सकती है, और यदि प्रोसेस में कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अब इसके कुछ फंक्शन है। फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। तो प्लानिंग यानी आपको कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले कुछ प्लान करना पड़ता है, कुछ डिसाइड करना पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट इस तरीके से होगा। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजिंग मतलब किस काम को पहले करना है, किसको बाद में करना है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको डिसाइड करना पड़ता है कि ये काम इसके बाद होगा, ये काम इसके बाद होगा, तो इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। फिर डायरेक्टिंग, कुछ लोगों की टीम बनानी पड़ती है जो उस काम को बराबर सही दिशा में डायरेक्ट कर सकें। कि जैसे मजदूर है, वो तो आएगा एक दिन का, जो भी उसको काम बताया जाएगा वो करेगा, अगले दिन वो उसे आप जो भी दूसरा काम बताओगे ये नहीं पूछेगा कल तो सर यहाँ तक हुआ था आप आगे करेंगे, नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ये चीज़ें डिसाइड करने के लिए भी, अब सारा काम बता दिया गया लेकिन वो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखने के लिए कंट्रोलिंग करना पड़ता है, उसे हर जगह पर चेक्स लगाने पड़ते हैं, बीच बीच में उन्हें चेक करना पड़ता है। और कोऑर्डिनेटिंग मतलब कि अब काम चालू हो गया है, अब आपको उसमें साथ देना है, उसमें कई जैसे मान लीजिए कहीं ईंट है, कहीं रहती कब चीज, जो भी चीजें कुछ घट गई तो उसे लाना पड़ता है। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन वर्क। अब कंस्ट्रक्शन वर्क्स मतलब कि कंस्ट्रक्शन में जो भी काम होते हैं उनको अलग अलग उन कुछ पॉइंट्स में उनको डिवाइड किया हुआ है। तो इनमें है माइनर, मेजर और प्रोजेक्ट। अब माइनर और मेजर में क्या है कि जैसे कॉस्ट पे है, सालों पहले ये कॉस्ट के हिसाब से दिया गया होगा, मुझे लगता है ये सब बदल गया होगा, फिर भी पहले के हिसाब से है कि 20,000 से यदि कम है तो वो माइनर वर्क्स कहलाएगा, 20,000 से ज़्यादा 1,00,000 तक है तो वो मेजर वर्क कहलाएगा, और उससे भी ऊपर है तो उसको प्रोजेक्ट कहेंगे। तो इसमें ये फैक्टर है, माइनर वर्क, मेजर वर्क और प्रोजेक्ट वर्क। माइनर में आप फॉर एग्जांपल कहीं कुछ रिपेयर वर्क करना है तो वो सब आ सकता है, मेजर में थोड़ा बहुत कुछ बनाना है नया कंस्ट्रक्शन, और ज़्यादातर 20,000 के ऊपर चले जाता है तो ये मेजर में आ जाएगा, और प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग में वो हो जाएंगे।
उसके बाद है लाइट कंस्ट्रक्शन, हेवी कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। अब लाइट कंस्ट्रक्शन, हेवी कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल में आप इन दोनों में पहले डायरेक्ट फर्क कर लीजिए। फिर से लाइट, लाइट कंस्ट्रक्शन है जैसे किसी का घर बनाना है, किसी का छोटा मोटा मकान बनाना है, तो वो सब लाइट में आता है। हेवी में जैसे ब्रिज बनाना है, कहीं रोड बनाना है, तो ये सब हेवी कंस्ट्रक्शन में आता है। और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन यानी कि किसी भी इंडस्ट्री का कोई पार्ट्स बन रहा है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री को खड़ा किया जा रहा है, तो वो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में आएगा। तो इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में कुछ ये चीजें जानने को मिली। अब इसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे जैसे घंट बार चार्ट है, उसकी मदद से तो जो भी चार्ट बनाए जाते हैं उसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में एक और टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज जानेंगे, कौन कौन से प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, यानी कि एक ऐसा लीडरशिप जिसमें सारी चीजें डिफाइंड हो, उसके अंदर काम करता है, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होता है कि किसी एक वर्क को अचीव करना है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम तीन अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो दोस्तों, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मिलिट्री के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे कि किसी भी ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए या फिर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसे स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर जो ड्यूटी होती है वो, और ड्यूटी और जो कमांड होता है वो एक लाइन से ये उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा, मतलब सबकी ड्यूटी डिफाइन रहती है, तो स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन आप लोग देखने को मिलेगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ड्यूटी पर्टिकुलर दी हुई रहती है, तो किसी को रिलैक्सेशन नहीं रहता कि आप ये चीज करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा। सबकी ड्यूटी फिक्स रहती है और इसमें डिसीजन क्विक लिया जा सकता है, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, इसने उसको बताया, उसने उसको कंटिन्यूस कुछ एक मिनटों में, कुछ एक दिनों में, कुछ एक घंटों में ही किसी भी डिसीजन को नीचे तक पहुंचाया जा सकता है। और सबसे जरूरी चीज कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन छोटे कंस्ट्रक्शन या छोटे कोई प्रोजेक्ट के लिए ही यूज किया जाता है, इसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे FW टेलर, ये इन्होंने इसकी खोज की थी, इसे मतलब बनाया था कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इसके बारे में बताया था, तो FW टेलर। अब इसमें क्या फायदे होते हैं कि इसमें क्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सकता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, और ये जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का यूज किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि ज्यादातर जितने भी लोगों को पॉसिबल हो सके पूरे काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया जाता है, ताकि ये नहीं कि एक आदमी जो काम कर रहा है उसे ये नहीं पता कि वो क्यों कर रहा है, उसे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी होगी, ताकि उसे ये भी पता हो कि मुझे ये काम करना है कितना जरूरी है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में यही एक चीज है कि हर आदमी को ऐसा लगता है कि पूरा प्रोजेक्ट करना कम जरूरी है, जबकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी की कुछ पर्टिकुलर ड्यूटियां होती हैं, उसे बस उतना ही करना होता है, और उसके सिवा उसे ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि उसे वो दूसरे कामों पे भी ध्यान देना है। तो इसमें इंडिविजुअल को थोड़ी ज्यादा जानकारी दी जाती है, जिससे वो अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा समझे और काम को सही तरीके से करे। तो ये बड़े प्रोजेक्ट यूज होता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है,
इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, लाइन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें जो भी कमियां हैं उन्हें छोड़कर जो भी इनकी अच्छी चीजें हैं उन्हें यूज करके लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। मतलब कि इन दोनों में जो भी अच्छी चीज है उसको एक कंबाइन करके एक लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया है। तो आज हमने जाना कि ऑर्गेनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और लाइन फंक्शनल और लाइन एंड स्टाफ, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के क्या मायने होते हैं। थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में एक टॉपिक है नेटवर्क प्लानिंग, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो CPM में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्रिटिकल पाथ मेथड है। आपको MCQ में पाथ की जगह प्रोजेक्ट, मेथड की जगह मैनेजमेंट, ये सब डाल के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। दूसरा है PERT, PERT, तो इसका भी फुल फॉर्म आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। तो इसमें आपको क्या कंफ्यूज किया जाता है, प्रोग्राम की जगह पे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इवेल्युएशन की जगह ई से कोई दूसरा शब्द डाल दिया जाता है, ठीक है, रिव्यू की जगह रिपोर्ट डाल देगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेटवर्क प्लानिंग में जो 4-5 शब्द यूज होते हैं देखेंगे। पहला है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या होती है कि जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में जैसे खड्डा खोदना है तो एक एक्टिविटी है, ठीक है, जैसे दीवार जोड़ना है तो वो एक्टिविटी है। तो इस तरह से एक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है। एक्टिविटी हमेशा टाइम कंज्यूम करती है, यानी कि किसी भी एक्टिविटी को करने में समय लगता है, और ये यदि इस फिगर में देखें तो इसमें ये एक्टिविटी है, जो ए है एक एक्टिविटी है, सी है एक्टिविटी है, ये लाइन है वो, मतलब एक्टिविटी को एरो से डेनोट किया जाता है। तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई। अब एक्टिविटी को 2-3 सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि क्रिटिकल एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। तो देखिए, क्रिटिकल एक्टिविटी किसे कहेंगे कि जैसे जिस एक्टिविटी को यदि करने में यदि समय ज्यादा लगता है या कम लगता है तो टोटल प्रोजेक्ट का जो समय है उसमें फर्क पड़ता है। जैसे ये एक्टिविटी 2 दिन में होनी चाहिए, ये 2 दिन में होनी चाहिए और ये 2 दिन में होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट 6 दिन में होना चाहिए। तो ये एक्टिविटी में यदि 3 दिन लग जाते हैं तो टोटल 7 दिन लग जाएंगे, और प्रोजेक्ट 6 दिन में पूरा होना चाहिए था तो 1 दिन ज्यादा लग गया। तो इसकी वजह से ऐसी एक्टिविटी की जिसमें डिले करने से प्रोजेक्ट डिले हो सकता है उसे क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं कि चलो कोई काम ऐसा है कि जो थोड़ी देर से भी किया जाए तो भी पूरा प्रोजेक्ट उससे इफेक्ट नहीं करता। जैसे कि 10 मंजिल बिल्डिंग बनाई जा रही है और उसमें पिलर डाल डाल के दीवारें जोड़नी है, दीवारों का समय मान लीजिए 10 दिन रखा गया है, लेकिन दीवार जोड़ने में 11 दिन भी लग जाता है, फिर भी प्रोजेक्ट बाकी का प्रोजेक्ट का काम है वो, तो पिलर से ऐसे पिलर स्लैब ऐसे काम आगे बढ़ते जाएगा तो आपका पूरा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कलर करना है तो कलर एक पीछे होता है तो भी चल जाता है, तो उसे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं। एक होता है डमी एक्टिविटी। अब डमी एक्टिविटी को ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, देखिए ये डॉट लाइन है, यहाँ पे एरो करते हैं तो ये डॉट लाइन से डमी एक्टिविटी को दर्शाते हैं। डमी एक्टिविटी क्या कहती है कि जैसे एक्टिविटी ए है, ए वाला काम पूरा हो गया, उसके बाद ये सी वाला काम चालू होगा, और ए वाला काम पूरा होने के बाद ही डी वाला काम चालू होगा, ठीक है। अब देखिए डी को बी के बाद करना है, लेकिन जब आपका
ए कंप्लीट होता है तभी डी को करना है, ये दर्शाता है ये। जैसे कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि बी काम पूरा हो गया तो डी को चालू कर दिया, आपको ए और बी दोनों पूरा होगा तब जाके डी काम चालू होगा। तो इस तरीके से आपका एक्टिविटी डमी एक्टिविटी कहलाती है, जो एक्चुअली में कोई एक्टिविटी नहीं होती और ना ही वो कोई टाइम कंज्यूम करती है, बस ये अगली एक्टिविटी को चालू होने के लिए मैसेज देती है। इवेंट, इवेंट किसे कहते हैं? किसी एक्टिविटी का पूरा होना एक इवेंट है। जैसे कि कोई आदमी खड्डा खोद रहा है, एक दिन वो खड्डा खोदता है सुबह से लेकर शाम तक, तो एक एक्टिविटी कर रहा है। जब शाम को उसका खड्डा पूरा खुद जाता है तो वो उसका एक इवेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्रिटिकल पाथ। अब एक क्रिटिकल पाथ क्या होता है कि इस जैसे ये अपना एक चार्ट है जिस पे अपना काम हो रहा है, तो इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी जो एकदम क्रिटिकल है उस एक्टिविटी को मिलाकर जो पाथ बनता है वो है क्रिटिकल पाथ। उसके बाद है स्लेक और फ्लोट। अब जैसे जनरली स्लेक को अपन सीपीएम में यूज करते हैं, फ्लोट को अपन पर्ट में यूज करते हैं, लेकिन इसको इंटरचेंज करके यूज किया जा सकता है। यदि आपका स्लेक या फ्लोट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने में वो प्रोजेक्ट मतलब थोड़ा सा पहले पूरा हो जाएगा। मतलब कि जैसे अब देखिए आपका एक प्रोजेक्ट है, ये पहले दिन चालू होता है, दसवें दिन कंप्लीट होता है, और फ्लोट आपका एक दिन का है, वन डे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रोजेक्ट 9 दिन में भी पूरा हो सकता है। तो जब आपका ये पॉजिटिव आया इसका मतलब हुआ कि आपका प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद है कि नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि आपका फ्लोट माइनस में आ रहा है, माइनस वन डे, यानी कि आपका काम हो सकता है एक दिन देर से पूरा हो, तो उसे माइनस में, आपका फ्लोट माइनस में आएगा। अब स्लेक या फ्लोट को तीन चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहला है टोटल फ्लोट, दूसरा है फ्री फ्लोट, तीसरा है इंडिपेंडेंट फ्लोट और चौथा है इंटरफेरिंग फ्लोट। तो इनको थोड़ा समझते हैं। जैसे टोटल फ्लोट क्या होता है कि आपका पूरा काम 10 दिन में होने वाला है और आप ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि आपका काम मैक्सिमम हो सकता है कि आपका 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको हम टोटल फ्लोट कहेंगे। उसी तरह फ्री फ्लोट क्या होता है कि जैसे कि हर फ्लोट आपको, देखिए ये फॉर्मूले से देखते हैं, अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीएस्ट फिनिश टाइम। जैसे दो एक्टिविटी है, मान लीजिए एक एक्टिविटी ए है और दूसरी एक्टिविटी ये है, ठीक है। अर्लीएस्ट फिनिश टाइम मतलब आपकी ए वाली एक्टिविटी है, आपको हो एक्टिविटी मान लीजिए ये 6 दिन की है, लेकिन आप ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि आपका काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये अर्लीएस्ट मतलब जल्दी से जल्दी किया जाए तब जाके 5 दिन में हो जाएगा। और ये है अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम, जैसे ये वाली एक्टिविटी है, ठीक है, इसको यहाँ बनाते हैं, तो आप इसको, ये बी एक्टिविटी है, अब बी एक्टिविटी को आपने अंदाजा लगाया है कि ये 8वें दिन काम ये चालू होगा, बी एक्टिविटी 8वें दिन चालू होगी, लेकिन आप उसे यदि बिना किसी प्रॉब्लम के आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसको मैं 7वें दिन भी चालू कर सकता हूँ, मतलब जल्दी से जल्दी, यदि किसी ने कह दिया कि जल्दी से जल्दी चालू करना है तो आप इसको 7वें दिन चालू कर देंगे, तो क्या होगा, आपकी ए एक्टिविटी 5वें दिन आपने अंदाजा लगाया कि यदि जल्दी से जल्दी किया जाए तो 5वें दिन खत्म हो जाएगी, और बी एक्टिविटी को यदि जल्दी से जल्दी चालू की जाए तो वो 7वें दिन कंप्लीट चालू होगी।
तो ये 2 दिन का जो गैप रहा वो आपका हो गया फ्री प्लॉट। अब है इंडिपेंडेंट प्लॉट। इंडिपेंडेंट प्लॉट किसे कहते हैं कि ये वाला जो प्लॉट है वो दूसरे प्लॉट को इफेक्ट नहीं करता। जैसे कोई एक प्लॉट है वो यदि आगे पीछे होता है तो किसी दूसरे प्लॉट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंटरफेरिंग प्लॉट किसे कहते हैं, तो ये टर्म है सिर्फ टोटल प्लॉट में से फ्री प्लॉट को हम माइनस करते हैं तो आपको इंटरफेरिंग प्लॉट मिलता है। अब टोटल प्लॉट को एक दूसरी भाषा में समझते हैं कि लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम का डिफरेंस। लेटेस्ट फिनिश टाइम यानी कि जैसे आपका ये टोटल काम है, इसको आप लेटेस्ट फिनिश टाइम यानी कि देर से देर कितना भी करोगे, जैसे ये 1 से लेके 10 दिन का काम है, आपने बहुत टाइम लगाया, आप इसको 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम, आप इसको यदि बहुत जल्दी जल्दी काम करवाते हैं, तो ये हो सकता है कि आपका काम 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो ये जो 4 दिन का गैप आपको आता है ये क्या है, आपका टोटल फ्लोट है। मतलब कि आपका काम 10 दिन में पूरा होने वाला है, लेकिन आप ऊपर क्या बताएंगे कि ये काम 12 दिन में पूरा होगा, और आप उस काम को जल्दी से जल्दी करना चाहें तो आप उसको 8 दिन में भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो 4 दिन है ये क्या है, आपका टोटल फ्लोट है। इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। जैसे कि आपको पहले दिन चालू करना था, लेकिन आपको काम चालू करने आपने दो कुछ प्रॉब्लम आई और आपने उसको 2 दिन बाद चालू किया। मान लीजिए आपने तीसरे दिन चालू किया। और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, आपको पहले दिन जिस दिन काम चालू करना था, आपके पास यदि आपको मान लीजिए 25 तारीख को काम चालू करना था, लेकिन आपके पास सब कुछ अरेंजमेंट हो गया और आपने उसको 23 तारीख को ही चालू कर दिया, तो आपने क्या किया, 2 दिन पहले काम चालू कर दिया। तो यहां भी आपको 4 दिन का जो गैप आया वो क्या हुआ, आपका टोटल फ्लोट आया। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफेरिंग फ्लोट। यदि आप समझ कर इसे जो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं हम उसमें आज लागू करते हैं तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। इसके बाद एक फॉर्मूले की बात कर लेते हैं जो इसमें यूज होता है, वो है TM=T0 प्लस TP प्लस फोर TN डिवाइड बाई 6। अबे फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे किसी प्रोजेक्ट का आपको टोटल टाइम निकालना है, कोई जैसे आप किसी प्रोजेक्ट को ऐसा मान के चलते हैं कि मैं इसे कुछ अंदाजा लगाना चाहते हैं कि कितने दिन में होगा, तो उस प्रोजेक्ट का टाइम निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो ये TM यानी कि आपको एक्चुअल टाइम कितना लगेगा वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, T0 या TO कर लें, यानी कि आप ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मतलब आप सोचे कि भाई ये काम जैसे 15 दिन का है, मान लीजिए एक अंदाजा मान लीजिए काम 15 दिन का है, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, मैं इस काम को 10 दिन में कर लूंगा, तो आपको यहां रखना है 10। अब आप कहते हैं कि बहुत सारी मान लीजिए अड़चन आ गई, एक आध दिन बारिश हो गई, किसी दिन सामान नहीं मिला, तो आपको उस दिन वो काम को करने में लग सकता है 20 दिन। तो ये आपका जो TP है ये 20 दिन, मतलब कि सबसे कम आपका जो अंदाजा है वो प्लस जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा 20 दिन लगेगा, तो ये यहाँ 20। और ये है TN की नंबर ऑफ डे की आप एग्जैक्ट कितना मतलब अंदाजा लगाते हैं, जैसे आपका अंदाजा है कि 15 दिन के आसपास वो काम खत्म हो जाना चाहिए, तो आपको यहाँ लगना है 15। तो ये एक टाइम हुआ, ये दूसरा टाइम हुआ और ये टोटल 4 है।
तो 2 और 4 छः, तो इसको फिर 6 से डिवाइड कर देना है। तो एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊं कि एक मान लीजिए कोई रोड के मरम्मत का काम है, मैं सोचता हूं कि बहुत जल्दी जल्दी करवाऊंगा तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि यदि ट्रैफिक हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, मैक्सिमम मुझे 20 दिन लगेंगे। और उसको एक्चुअल में जैसे पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहता हूँ कि वो एक्चुअल में मुझे 15 दिन लगने चाहिए। तो 4 × 15 इसको डिवाइड कर देंगे अपन 6 से, तो इसको जोड़ लीजिए 20, 10, 30, 30 और ये 15 × 60 यानी कि 90। तो ये हो गया आपका 90/6। तो ये 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा कि आपका एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा जो आपने एक रियल में उसको निकालने की जो कोशिश की है। तो इसको 15 × 90 ये आपका आंसर हो गया कि आप 15 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो नेटवर्क प्लानिंग में ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है। यदि कोई छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये तीन चीजें आपको देकर इजीली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप उसे बहुत ही आसानी से जवाब उसका दे सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों पर्ट, PERT, पर्ट, पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। आपको इसमें ध्यान रखना है एक एक चीजों का। आपको प्रोग्राम की जगह प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा MCQ में, आपको लगेगा कि हाँ प्रोजेक्ट इवोल्यूशन होगा। फिर इवोल्यूशन की जगह कुछ और दे दिया जाएगा, रिव्यू की जगह कुछ और दे देगा, टेक्निक की जगह कुछ और दे देगा। तो मतलब आपको अलग अलग ऑप्शंस देके आपको गुमराह करने की कोशिश की जा सकती है। तो आपको क्या करना है, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक इस MCQ को याद रखना है। फिर ये एक फॉर्मूला है जो पर्ट में यूज किया जाता है। आज हम इसका उपयोग सीखेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देके मैं सिखाऊंगा और ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है ताकि MCQ में यदि पूछा जाता है तो आपको ये पता चले। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, इसमें तीनों चारों जो टी है उनके बारे में हम समझते हैं। जैसे ये TM है, TM क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक टाइम टू कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, यानी कि हमें कोई एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट होगी उसका कोई आपको प्रोबेबिलिस्टिक यानी कि एक अंदाजा लगाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कुछ फॉर्मूले, ये फॉर्मूले है। तो इसमें जो TO पहला है टी, वो क्या बताता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम यानी कि बेस्ट टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक मकान बनाने का काम है, आप उसको अंदाजा लगाना चाहते हैं कितने दिन में बनेगा। तो आप अपने अनुभव के हिसाब से एकदम हम ऐसा सोचते हैं कि भाई कम से कम तो मुझे 30 दिन तो लगेंगे ही पूरा काम कंप्लीट करने में, कम से कम 30 दिन तो लगेंगे, इससे कम में मतलब काम नहीं हो सकता, इतने इससे कम में मैं ये जो प्रोजेक्ट है या ये काम है पूरा नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम, यानी कि आपने सब सोचा कि सब कुछ बेस्ट से बेस्ट तरीके से चले, टाइम पे हर चीज आपको मिले, टाइम पे आपको मजदूर मिले, तो आप 30 दिन में कंप्लीट कर दोगे। उसके बाद है पेसिमिस्टिक टाइम यानी कि वर्स्ट टाइम, जो आपका खराब से खराब जो भी अनुभव रहा हो, जैसे कि आप सोचते हैं कि भाई यदि कुछ ऐसा आ गया तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको रेनफोर्समेंट नहीं मिला, आपको ईंट नहीं मिली, कोई सामान नहीं मिला, कभी मजदूर नहीं मिले, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एक अंदाजा लगाते हैं कि मैं इस काम को कितने दिन में कर पाऊंगा। मान लीजिए 50 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। अब आपका पुराना एक्सपीरियंस कुछ रहा होगा तो आप पुराने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि नहीं
ज्यादातर तो ये काम है जो 30-35 दिन में कंप्लीट हो ही जाता है, कभी कभी 40 दिन लग जाता है। तो आपका एक अंदाजा है कि 40 दिन में तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ ये वाला, ये जो TN है, TN क्या है, मोस्ट प्रोबेबल टाइम, यानी कि आपके मुताबिक जो भी सबसे प्रोबेबल टाइम है वो आपको रखना है। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए यहाँ T कितने हैं, 1, 2, 2 और ये 4, यानी कि 6। तो आपको इसके 6 से डिवाइड करना है। आप इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो आप ये सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 50 और 30 80, और ये 160, 80 और 160 240। इसको आप डिवाइड करते हैं यदि 6 से, तो आपका जवाब आ जाएगा 40। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस काम को 40 डेज में एग्जैक्टली पूरा कर पाएंगे। ये आपका सबसे मतलब सही आंसर होगा। यदि आपका काम 2 दिन पहले समाप्त हो जाता है तो उसके हिसाब से जैसे टोटल प्लॉट प्री प्लॉट आता है तो वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो इस फॉर्मूले का यूज आपको करना आना चाहिए, बहुत ही आसान तरीका है। यदि किसी प्रोजेक्ट का पूरा टाइम निकालना है तो आप उसके सबसे बेस्ट टाइम यानी कम से कम टाइम में पूरा करने की, सबसे ज्यादा टाइम यानी सबसे खराब टाइम, और जो आपका ओरिजिनल अंदाजा हो कि हाँ इतने में होता है उसको 4 से गुना करना है। टोटल 6 T हो जाते हैं, इसलिए 6 से डिवाइड करेंगे और हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर याद रखें और MCQ में इसे सही जवाब लाएं। 2 मिनट में आपका आंसर आ जाता है। जय हिंद।